नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंट में मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी। निफ्टी का पोजिशनल व्यू दिया था, बैंक निफ्टी इंडेक्स का पोजिशनल व्यू दिया था, एशियन पेंट का पोजिशनल व्यू दिया था और साथ में मैंने बिटकॉइन का पोजिशनल व्यू दिया था कि बिटकॉइन में अगर वैल्यू बाइंग करनी पड़े तो कौन से लेवल से हमें कंसीडर करना चाहिए। आज के वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में कवर करेंगे कि आखिर बिटकॉइन का बॉटम कहाँ पे है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की, हायर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की इस समय क्या सिचुएशन है। अगर आप ध्यान दें तो वीकली चार्ट में, तो आपको ये चार्ट मैंने कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। हम ट्रेड कर रहे थे करीब 33,000 के आसपास और क्लियर कहा गया था कि अगर ये प्राइस ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से बहुत बढ़िया शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप काउंट करें तो करीब 4 मंथ इंडेक्स एक रेंज के अंदर रहा, इसी तरीके से बिटकॉइन एक रेंज के अंदर रहा और इसी तरीके से बिटकॉइन के अगर बिहेवियर की बात करें तो यही इसका बिहेवियर है। पहले क्या होता है, एक पॉज होता है, फिर फॉल होता है, फिर एक पॉज होता है और फिर एक फॉल होता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वैल्यू बैंक की बात करें तो 14,050 से लेकर करीब आप मान के चले 19,000, ये जो एरिया है जिसे मैंने हार्मोनी के एक्स एबीसीडी और हार्मोनी के एबीसीडी पैटर्न से निकाला है, ये एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू बाइंग है। यहाँ पर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जैसा बिटकॉइन का बिहेवियर है उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस तरह की रैली मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री जानिए। अगर 2017 की बात करें तो बिटकॉइन ने 19,800 प्लस का हाई मारा था, उसके बाद 3,200 का लो मारा और फिर हाई मारा करीब उसने 65,000 प्लस का। तो ये बिहेवियर है बिटकॉइन आपका, ब्रेकआउट से ज्यादा पुल बैक में बाई है। तो अगर ये लेवल मिलता है तो आपके लिए एक परफेक्ट वैल्यू बाइंग बनेगी। ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर हमें ट्रेड करना पड़े ठीक है बिटकॉइन में, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पे बियर स्प्रेड बना सकते हैं, आप यहाँ पर अपने स्ट्रैंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि आप बिहेवियर से पता कर चुके हैं कि हमेशा बड़े मूव के बाद एक पॉज आ जाता है और इस पॉज का आने का एक रीजन भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं किस लेवल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल की, ये जो स्विंग हाई है आपका, जो कि करीब आपको 2017 में मिला था। बिटकॉइन इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ पर एक पॉज लग सके, यानी करंट डाउन ट्रेंड यहाँ पर हॉल्ट हो सकता है। इतना क्लियर है ठीक है। लॉन्ग टर्म हमारा व्यू अलग है, लेकिन बात होती है जब ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में हमें अपने शॉर्टर व्यू के साथ जाना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस है, जैसे आपका बिटमैक्स है, बाइनेंस है, आपका कुकवाइन है। इन सारे एक्सचेंज में डेल्टा एक्सचेंज ही ऐसा है जो ऑप्शंस अलाउ करता है, जहां पर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और इसी वजह से ये एक फेवरेट हो जाता है। जब कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक पॉज आता है तो वहां पर आराम से आप स्ट्रेंगल बना सकते हैं। मार्केट में अगर एक लो टूट गया तो आप पुट बाई करके मैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है और अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो 17 जून का है यहाँ पर, लेकिन हमें 24 जून का लेना है। 24 जून अगर बात करें 24 जून की, तो आपका नेक्स्ट फ्राइडे का, नेक्स्ट फ्राइडे अगर आप लेते हैं तो ये आपके स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। जैसे कि आप एमएससी की साइट पे देखते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के पूरे पूरे स्ट्राइक प्राइस की डिटेल होती है, ओआई क्या है, चेंज इन ओआई क्या है, डेल्टा क्या है, वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइस इस समय चल रहा है करीब 20,876, 20,000 आपका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर 20,000 का पुट देखता हूँ, 20,000 का, तो वो चल रहा है करीब 907, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर।
20,000 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये आपका 912 थोड़ा सा चेंज हुआ, और इसमें ऑलरेडी करीब 960 पॉइंट्स का डीके लग चुका है, ठीक है। और ये 24 जून की एक्सपायरी का है, यानी नेक्स्ट फ्राइडे की एक्सपायरी का, ठीक है, इतना मालूम हो गया। लेकिन हम नेकेड तो सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट तो है डाउन ट्रेंड में, तो हम क्या करें, क्या हम एक हेज बनाएं? और हेज बनाने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करना है, आवरली टाइम फ्रेम में जाना है, और आप इस सपोर्ट को मार्क कर लीजिए, और इसके साथ में आपको पास का रेजिस्टेंस भी मालूम चल जाएगा है, जो कि है करीब 23,333। तो इसका अगर हमें हेज बनाना है तो हमें जाना पड़ेगा 23,000, 30,000 प्रीमियम क्या चल रहा है, 480 रुपीज। यहाँ 20,000 में क्या प्रीमियम है, 910। अगर टोटल प्रीमियम की बात करें तो 910 प्लस 480, ठीक है, करीब आपका था 1,390 ये प्रीमियम चल रहा है। अगर बाजार यहां पर फंस जाता है, जिसकी हम संभावना कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम हमें इजिली मिल जाएगा ऑप्शन सेल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेल में, क्यों? क्योंकि यहाँ एक वीकली सपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि एक पॉज लगे, क्योंकि इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, तो पुट जिसकी आईवी बहुत हैवी है, अगर ये यहाँ पर स्टक हो जाता है तो इसकी आईवी उतनी तेजी से क्रैश होगी, और इसी वजह से हम यहाँ पर इजिली इस प्रीमियम को ईट कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपने व्यू बना लिया, लेकिन ट्रेड कैसे करना है ये एक अलग तरीका है। लेकिन उससे पहले आपको एनालिसिस के कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें, बिटकॉइन के अवली स्ट्रक्चर की, तो हम यहाँ पर अभी एक बॉटम देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये आपको मैंने बता दिया, स्विंग हाई लगा है, और इस स्विंग हाई को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, इस रेंज को हमें सेल करना है। तो जब भी आप रेंज को सेल करें तो आपको रेंज का लो और रेंज का हाई याद रखना चाहिए। अगर रेंज का लो ब्रेक हुआ तो आपको अपनी पुट पोजीशन से एग्जिट करना ही पड़ेगा, और अगर आप देखें तो धीरे धीरे ही सही यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ से बहुत बड़ा उछाल देगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बिटकॉइन रुक सकता है, और इसी वजह से हम इस पोजीशन को कंसिडर करेंगे। क्लियर है इतना, कि अगर कोई हाई या लो टूटता है तो हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, संभावना है कि इस रेंज के अंदर रहे तो प्रॉफिट हमारा मैक्स हो सकता है, लॉस हमारा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑप्शन सेल में तो बहुत पैसा लगता है, तो आप इससे बेफिक्र रहिए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं है, एनएससी का एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है ऑप्शन सेल में। तो सबसे पहले हम 20,000, ठीक है, 20,000 के पुट को सेल करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सारा प्राइस क्लियर है, ठीक है, 975 में सेल हो रहा है और 927 में इस समय क्या बायर्स खड़े हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफर लगा लेता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में रखता हूँ 200, ठीक है, देखेंगे तो 4,161 0.70 USDT का ये ऑर्डर है, और इसके लिए मुझे देना कितना है, 194.50। इस जगह पर अगर आप ध्यान दें, ये आपकी बाइंग पोजीशन है, सेल ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ तुरंत एक विंडो मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 50x मार्जिन करता हूँ, और 50x मार्जिन पर मुझे करीब 83.30 USD देना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो जैसे ही मैं ऑर्डर क्लिक करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिल जाता है, लिमिट प्राइस इस समय क्या चल रहा है ये मिल रहा है, लिक्विडेशन कहाँ पर है ये मिल रहा है, यानी मेरा ऑर्डर अपने आप कहाँ स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पता चल रहा है, और साथ में मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। अब मैं इसको अगर सेल करता हूँ तो ऑर्डर मेरा यहाँ आ गया, ओपन ऑर्डर अभी एक्सक्यूट नहीं हुआ। चलिए इसकी बात हो गई, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या है, हमें एक हेज बनाना है। तो
सिंगहाई कहाँ पर है? 23,279। तो हम यहाँ पर 23,000 को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका 23,000 रहा। जैसे क्लिक करेंगे आपको इसका ऑर्डर शीट मिल जाएगी और आपको इसका ऑर्डर बॉक्स भी मिल जाएगा। जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम 200 कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हैं। मार्जिन है हमारा 50x और इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ पर भी 83.23 का USD हमारा यहाँ पर फंड लग रहा है। फिर से आपको पूरा टेबल मिल जाएगा और आप प्लेस ऑर्डर यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये दोनों ही ऑर्डर एक्सक्यूट होने का हम इंतजार करते हैं कि कहाँ पर एक्सक्यूट होता है। ठीक है, ओपन पोजीशन में देखेंगे तो हमारा करीब 23,000 का कॉल ऑलरेडी एक्सक्यूट हो गया है। इस समय जो पीएनएल चल रहा है वो चल रहा है 1.11 USD। अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की, अगर मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ या मैं यहाँ पे 10 पे स्क्वायर करता हूँ तो 31.11 USD मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। मैं एक छोटा सा ऑर्डर लगा के सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑर्डर अभी एक्सक्यूट नहीं हुआ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलो एक्सक्यूट हो गया, अभी दोनों पोजीशंस हमारी यहाँ पर आ गए। जब तक प्राइस इसके बीच में रहेगा हमें प्रॉफिट होगा। ध्यान क्या देना है, बस हमें ध्यान देना है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, प्राइस इसके अंदर रहेगा हम ट्रेड करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये ब्रेक हो गया तो आपको लॉस होगा। अरे भाई क्यों होगा, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मैं तो अपना कॉल को तो जीरो कर ही लूंगा, वहां प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर $10-20 का लॉस देंगे, वहां पे $30-35 का प्रॉफिट करेंगे। साथ में मुझे ये भी तो मालूम है कि बिटकॉइन इस समय डाउन ट्रेंड में है, तो अगर सपोर्ट टूट गया तो मैं पुट भी तो खरीद सकता हूँ, ये भी तो ऑप्शन मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकता हूँ और मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकता हूँ। मैंने ऐसी प्लेस पर ऑर्डर पंच किया है जहां से मुझे या तो एक रेंज मार्केट मिलेगी और या मुझे एक डायरेक्शनल मार्केट मिलेगी, और दोनों ही मेरे लिए यहाँ प्रॉफिटेबल हैं। यही खूबी है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पूरा का पूरा व्यू बना सकते हैं कि अगर रेंज में है तो क्या करना है, ट्रेंडिंग हो गई तो क्या करना है, इस सिचुएशन पे ट्रेड करें, किस प्लेस पे ट्रेड करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को आपने यहाँ पर ध्यान देना है। डेल्टा एक्सचेंज में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। कई लोग कंफ्यूजन करते हैं, कहते हैं कि 30% का टैक्स। अगर भाई आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है तो 30% टैक्स देने में बुराई मुझे नहीं समझ में आती, कोई बुराई है। आप अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं तो, अगर आप लॉस करते हैं तो फिर 5 पैसे देने में भी प्रॉब्लम है। करना क्या चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जगह पर क्या ऑर्डर प्लेस करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।